सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का अनसॉल्व कराने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2020 का सेट WA। सभी लोग अपने अपने अनसॉल्व पेपर में ओपन कर लीजिएगा। कौन सा सेट? WA 2020 का सेट WA। चाहे जिस प्रकाशन का आपके पास अनसॉल्व हो, सब में ये मिल जाएगा। सो आइए इसको हम शुरू करते हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेफाइट इज एन। तो बेटा, जो ग्रेफाइट होता है उसमें सारे कार्बन एटम्स केवल तीन तीन ही बॉन्ड बनाते हैं और इनके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हमारा नेक्स्ट वाला कार्बन से तीन ही बॉन्ड लगे होंगे। तो इस टाइप से जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ग्रेफाइट जो होता है उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रेफाइट एक आयनिक सॉलिड है क्या? आयनिक सॉलिड तो नहीं होगा। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है कि जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हों वो प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ एटम या इन द फॉर्म ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। लाइक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो क्या हो गया? NaCl, NaCl हो गया, KCl हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, क्या ग्रेफाइट हमारा मेटल है? मेटल तो नहीं है, केवल हमारा कार्बन एटम है, कार्बन एटम हमारा मेटल नहीं है। तो मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटेलिक सॉलिड। एंड कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब क्या है कि इन दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक H2Cl2 सॉलिड स्टेट। बचा हमारा क्या? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं, देर इज अ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट सॉलिड। बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शनल केस। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शनल केस बिकॉज ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट बिहेव्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, नाउ फर्स्ट का, सो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा हमारा? टिक कर लीजिएगा कोवेलेंट सॉलिड। याद रखना, ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शनल केस है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट सॉलिड। विच पेयर ऑफ सोल्यूशंस इज आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर? ये देखो, यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, इसमें बताना है आइसोटोनिक सोल्यूशंस कौन से हैं। तो बेटा, आइसोटोनिक सोल्यूशन जब हमने पढ़ाया तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमने बताया व्हेन टू सोल्यूशंस आर सेपरेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हेन टू सोल्यूशंस आर सेपरेटेड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड नो ऑस्मोसिस अकर्स and no osmosis occurs, then that solutions are known as isotonic solutions. So दोनों solutions जब उसके अंदर osmosis ही नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की effective molarity क्या होनी चाहिए? Same होना चाहिए। Now we check, इसके अंदर हम देखेंगे बेटा, इसमें लिखा है कि 0.1 molarity वाला NaCl and 0.1 molarity वाला Na2SO4, दोनों में हम चेक कर लेंगे। इसको जब बेटा हम ब्रेक करेंगे NaCl को, तो एक पॉजिटिव Na प्लस में जाएगा, एक Cl माइनस, यानी दो आयन हमको टोटल मिलेंगे। दो आयन मिलेंगे ना, टू आयन्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.1, वी गेट 0.2 मोलैरिटी NaCl की। एंड बेटा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे Na2SO4 को, तो ये किस में जाएगा? 2Na प्लस SO4 2 माइनस, इसका मतलब हमें कितने आयन मिले? 3 आयन मिले, एक आयन ये, 2 आयन ये। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.3 मोलैरिटी। इसका मतलब क्या कि दोनों मोलैरिटी इक्वल नहीं है, इफेक्टिव मोलैरिटी इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि दीज सोल्यूशंस आर नॉट आइसोटोनिक सोल्यूशंस। नाउ इसकी हम इफेक्टिव मोलैरिटी चेक करें। 0.1 मोलैरिटी वाला यूरिया, यूरिया को हम हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 0.1 मोलैरिटी यूरिया, यूरिया नहीं तो हम उसको क्या लिख देंगे? सिंपली 0.1 मोलैरिटी। एंड 0.1 मोलैरिटी वाला NaCl, NaCl को फिर से हम ब्रेक करेंगे, टू आयंस मिलेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो हमें कितना मिलेगा? 0.2 मोलैरिटी ऑफ NaCl। इसका मतलब दोनों क्या है? मोलैरिटी सेम नहीं है। सो दीज सोल्यूशंस आर नॉट आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ चेक कुछ थर्ड ऑप्शन, यूरिया फिर दिया है, यूरिया को हम हाइड्रोलाइज नहीं करते, तो 0.1 m, तो 0.1 m हम ऐसे इसको लिख लें, 0.1 मोलैरिटी। ओके, एंड 0.2 MgCl2,
एम जी सी एल टू को जब हम ब्रेक करेंगे तो एम जी टू प्लस में जाएगा और टू सी एल माइनस यानी थ्री आयन टोटल मिलेंगे। थ्री आयन इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इसका मतलब कितना हमें मिलेगा 0.6 मोलैरिटी। ओके नाउ अपन इसको देखते हैं। इसमें बेटा लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट, जब कैल्शियम नाइट्रेट को हम ब्रेक करेंगे तो सी ए टू प्लस एंड टू एन ओ थ्री माइनस, इसका मतलब टोटल आयन कितने मिलेंगे 3 आयन मिलेंगे। तो इसको 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.1 वी गेट व्हाट 0.3 मोलैरिटी। एंड Na2SO4 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 आयन मिलेंगे, 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यानी कितना मिलेगा 0.3 मोलैरिटी। ओके सो अपन लोग अब चेक कर लें। हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है उसके लिए मोलैरिटी इफेक्टिव मोलैरिटी दोनों की क्या आ रही हैं इक्वल आ रही है। सो इफेक्टिव मोलैरिटीज आर इक्वल सो दिस सॉल्यूशंस बिहेव्स एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सो ऑप्शन नंबर 4th इज ट्रू। नाउ 1 का सी देख रहे हैं, इसमें लिखा है स्टैंडर्ड, इस क्वेश्चन में लिखा हो गया है ध्यान देंगे हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी, चार मेटल्स दिए गए हैं ए बी सी डी, आर प्लस 1.5 वोल्ट माइनस 2.0 वोल्ट एंड 0.34 वोल्ट एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दिस मेटल इज, व्हेन वी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर सिचुएटेड एंड द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर सिचुएटेड। ठीक है सो जो बेटा निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है घटती जाती है। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा रिएक्टिव होगा। सो अपन लोग हम इनकी वैल्यू के अनुसार हम अगर पुट कर लेते हैं तो अच्छा बताओ सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी है, सबसे कम वैल्यू किसकी है माइनस 2.0 वाले का, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस 2.0 वोल्ट वाले सबसे कम है। उसके बाद कौन सी है बेटा आएगी, आएगी इसमें माइनस का 0. फिर कौन सा आएगा माइनस का 0.7 माइनस का 0.76 वोल्ट। ओके उसके बाद कौन सा आएगा, अच्छा ये बताओ ये जो हमारा था माइनस 2.0 वोल्ट किसका था, ये हमारा किसका था बी वाले का था, तो ये हमारा क्या हो गया बी का वैल्यू है। और ये हमारा काहे का वैल्यू दिया है, ये हमारा वैल्यू दिया है डी का। ओके उसके बाद में दूसरा वैल्यू कौन सा आएगा हमारा, दूसरा वैल्यू हमारा तीसरा वैल्यू कौन सा आएगा ये वाला आएगा, देन हमारा कौन वाला आएगा ये वाला आएगा। इसका मतलब क्या है 0.34 वोल्ट, फिर कौन सा आएगा हमारा 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है ये हमारा सी है और ये हमारा कौन सा वैल्यू है ए वैल्यू दिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा सबसे कम उससे ज़्यादा, तो इसका मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा फास्ट रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होगा बी वाला होगा, देन हमारा कौन सा होगा डी वाला होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होगा बेटा बी वाला होगा, देन हमारा कौन सा होगा डी वाला रिएक्टिव होगा। ओके फिर कौन सा होगा सी वाला रिएक्टिव होगा, फिर कौन सा होगा हमारा ए वाला रिएक्टिव होगा। सो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो टिक कर लीजिएगा। तो समझ में आना बेटा जितने ज़्यादा उसका नेगेटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ठीक है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक ओके जस्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हम देखेंगे। इसमें कहा गया है कि विच एमंग ऑफ दीज द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताना है, ये क्वेश्चन दी है। तो बेटा हमने जब क्लासें ली तो हमने पढ़ाया आप लोगों को, हमने कहा कि किसी भी रिएक्शंस को देख कर उसका हम ऑर्डर नहीं बता सकते हैं जब तक उस रिएक्शन को हम लैब के अंदर ना ले जाएं और उसके लिए हम रेट ला एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसका आर्डर क्या है n इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो बेटा हमने फिर ये भी कहा था कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ आर्डर के लिए हमने रिएक्शन बताया भी था। तो आइए वी विल चेक। जो हमारा पहला दिख रहा है
इस टाइप की रिएक्शन भी हमको सेकंड ऑर्डर की दिख रही है। H2O डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर की दिख रही है। थर्ड वाला हमको थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन दिख रहा है, बट फोर्थ वाला रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में लिखा है H2 प्लस Cl2 टू HCl। जो H2Cl2 वाली रिएक्शन होती है बेटा, वो कैसे जाती है? प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यही हमारी कौन सी होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। सो ऑप्शन नंबर फोर इज ट्रू। ओके, नाउ वन का ई पार्ट देखेंगे। द रिजेंट यूज टू प्रिपेयर एमाइंस फ्रॉम एमाइड्स इज, हमें एमीन बोलो चाहे एमाइंस बोलो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अपन लोग क्या बोलते हैं? एमाइंस। द रिजेंट यूज टू प्रिपेयर एमाइंस फ्रॉम एमाइड्स इज, कह रहा है कि ऐसा रिजेंट बताओ जिससे एमाइड से एमीन मिल जाए। तो बेटा इसमें चार दिए गए हैं, चार रिएक्शन दिए, चार इसमें ऑप्शन दिए हैं, Br2KOH एंड K2Cr2O7H2O, इस टाइप से रिएक्शन दिए। तो हमने तुमको बताया था कि एमाइड से एमीन बनाने की विधि, और द मैथड टू मेकिंग एमीन्स फ्राम द एमाइड। एमाइड से एमीन कैसे बनेगा? हम हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन से बनाए थे, उसके अंदर हमने Br2KOH डाला था एमाइड्स पे और हमको एमीन मिल गया था। क्या होता था, ध्यान देंगे। ओके, तो जरा हम यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा रिएक्शन। हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होती है बेटा? कोई भी हम एमाइड ले लें, कोई भी हम क्या ले लें? एमाइड ले लें। लाइक हमारा एमाइड हो गया RCONH2, ये हमारा क्या है? एमाइड है। हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन के लिए एमाइड भी हमारा चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी एमीन। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें बेटा? Br2 और प्लस चार मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ करा देते हैं, तो हमको सिंपली क्या मिल जाता है? RNH2 मिल जाता है। RNH2 हमारा बताओ क्या है? ये एमीन कि नहीं? प्लस इसके साथ ही साथ हमारा K2CO3 मिल जाता है, प्लस 2KBr मिल जाता है, प्लस दो मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन का काम क्या है? एमाइड से एमीन बनाना। प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन ही बना पाएंगे। तो ये क्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। इस रिएक्शन को देखने के लिए इसके बाद में वीडियो आ जाएगी। नाउ वन का एफ कह रहा है कि राइबोफ्लेविन इज द नेम गिवेन टू Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin 12। तो बेटा जो राइबोफ्लेविन होता है वो Vitamin B2 का नाम होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आइए अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर टू जो है चार पार्ट में है टोटल, ABCD। उसका पहला पार्ट देखेंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। नाउ इस क्वेश्चन में दिया है, इन अ सॉलिड मास पोटेशियम एट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टलाइन क्यूबिक लैटिस, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक मास उसका दिया है। ठीक है, नाउ अब ये बताइए, इन अ सॉलिड मास पोटेशियम एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर। अगर सेंटर में किसी क्रिस्टल के, अगर सेंटर में कोई एटम है तो उसको कौन सा हम बोलेंगे? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हमारा है हम बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें दिया है, गिवन है, हमें इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ है कि BCC होगा, क्योंकि इसमें दिया है पोटेशियम एटम लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्रिस्टलाइन क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो BCC के लिए क्या होगा? BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड के बीच में एटम होगा, 1/8 पार्ट उसका। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी 1/8 × 1 एक क्या होगा? बीच में होगा। टोटल कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए हमारा जेड का वैल्यू कितना आएगा? हमारा जेड का वैल्यू 2 आएगा। यानी नंबर जेड हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है काहे का? रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो जेड का वैल्यू हमें 2 मालूम है क्रिस्टलाइन क्यूबिक। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट यूनिट सेल? यूनिट सेल पूछ रहा है कि 4 ग्राम में पोटेशियम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे? पोटेशियम में तो 4 ग्राम दिया है, तो इसका मतलब कुछ ये भार दिया होगा ना, ये वेट दिया है। तो वेट हमारा कितना दिया है? W = 2.4 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम M दिया है यहाँ पे। एटॉमिक मास कितना दिया बेटा? 39 दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको मालूम है। जब भी इसमें देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है बेटा यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो जब भी तुमको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है तुमको एक ही फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? हमको ये फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू स्मॉल W / M (N)^(Z).
नंबर ऑफ यूनिट सेल जब भी तुम्हें कैलकुलेट करना है फार्मूला यही यूज करेंगे। अच्छा बताओ एन ए हमारा क्या है? एन ए तो हमारा जानते हैं अवोगाड्रो नंबर है। अवोगाड्रो नंबर जो होता है उसका वैल्यू हमको नोन होता है 6.023 × 10²³। ओके जेड हमारा क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एम हमारा क्या है बेटा? एटॉमिक वेट। क्या हमारा है? हमारा एटॉमिक वेट है। अच्छा डब्ल्यू हमारा क्या है? जो स्मॉल अमाउंट के अंदर जो रखा तो ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू का वैल्यू कितना? अच्छा बताओ डब्ल्यू का वैल्यू हमको मालूम है कितना है? डब्ल्यू का वैल्यू हमने 4 इंटू डिवाइड बाई क्या होगा 4 के एम कैपिटल एम कितना हुआ 39 इंटू एन ए क्या अवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10²³। ओके जेड का वैल्यू कितना होगा बी सी सी के लिए 2। इसको हम साल कर ले 2 × 2 इसकी जब मल्टीप्लाई करें तो 12 पॉइंट लगभग आएगा 04 × 10²³ डिवाइड बाई जब करेंगे 39 तो ये वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 0.3087 × 10²³। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वैल्यू तो इसको हम लिख लेंगे 3.087 × 10²² यानी नंबर ऑफ इतने यूनिट सेल होंगे इतने यूनिट सेल। ओके सो ये 2 का ए पार्ट हमें पता चला क्या होगा क्या नहीं होगा किसी क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ए पार्ट हमको अच्छे समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अनडिजॉल्विंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब है जो अवाष्पशील होता है जो उड़े ना। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इन इंक्रीजेस इट द इंक्रीजेस ऑफ द 0.4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इन अ बॉइलिंग पॉइंट वाज रिकॉर्डेड। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.67। कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आया है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कब आता था? जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया चार प्रकार का होता है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी क्या थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बताया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने बताया था, इस चीज़ को समझ लेंगे पहले, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाबू जो होता था डेल्टा टी बी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बी, बॉइलिंग पॉइंट बी यानी डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू द क्या होता था? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब एम। ठीक है, इसका मतलब क्या था? डेल्टा टी बी यहाँ पे इज इक्वल टू लाते तो यहाँ पे कांस्टेंट आता था के बी और ये तो हमारा मोलैलिटी है ही। मोलैलिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल स्मॉल एम से। ओके नाउ जो इस एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन जो के बी हमारा क्या था? के बी हमारा क्या था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज गिवन, यानी ये के बी का वैल्यू क्या है? गिवन है। नाउ इसको एक्सटेंड करते हैं मोलैलिटी। अब मोलैलिटी दो चीज़ें होती हैं मगर यहाँ इस केस में हम क्या ले रहे हैं, क्या लेते थे? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारा क्या होता था? ग्राम में होता था। मोलैरिटी हमारा क्या होता था? लीटर में होता था। तो यहाँ पे हम ग्राम की बात करेंगे। तो ये क्या होता था? मोलैलिटी क्या होती है, सॉरी मोलैलिटी बाबू क्या होती है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स द मोलैलिटी। ठीक है, जो मोलैलिटी होती थी वो क्या थी? वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन नॉट अ सॉल्वेंट। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते थे? मोलैलिटी। मगर यहां हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डब्ल्यू अपॉन एम से और
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल डब्ल्यू होगा सॉल्वेंट का इनटू मल्टीप्लाइड में किससे करेंगे 1000 से। अब ये हमारा डब्ल्यू का है में आ जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। ओवरऑल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम रख देते हैं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आएगा के बी, एम का वैल्यू मतलब क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला आ जाएगा डब्ल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम इंटू डब्ल्यू। या यहाँ से हम एम का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एम का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम पहले लिख रहे हैं 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई एम की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा टी बी आ जाएगा इंटू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू है बाबू ये, कैपिटल डब्ल्यू है। ओके ओके, ऑन डिजॉल्विंग 2.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सबस्टान 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब बताओ हमको सोल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो ये ना सोल्यूट क्या होता है स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, तो 2.5 ग्राम हमारा क्या हो गया सोल्यूट हो गया, 100 ग्राम ऑफ हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, बस खेल खत्म। स्मॉल डब्ल्यू ये कैपिटल डब्ल्यू ये, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में तो उसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो चीज़ छोटी चीज़ में हो सोल्यूट हमारा छोटी क्वांटिटी में होता है तो उसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या, ये इतना समरी है इसको भी लिख लेना अपने लैंग्वेज में। इसमें गिवन क्या है भाई, हमारा स्मॉल डब्ल्यू दिया है क्योंकि ये सोल्यूट है, कितना 2.5 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू है क्या, हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन, तो आप लोग इसमें कैपिटल डब्ल्यू यहाँ वैल्यू बताओ, बताओ कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा 100 ग्राम, ठीक। हमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू मालूम हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू मालूम हो गया, डेल्टा टी बी इस क्वेश्चन में गिवन है कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है डेल्टा टी बी हमारा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चाहे हम केल्विन स्पेस चाहे हम केल्विन वाली स्पेस स्केल पे लें चेंज, चाहे हम ले लें डिग्री सेल्सियस वाली स्केल पे चेंज, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम अपन लोग यहीं रखेंगे, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करोगे आंसर गलत हो जाएगा 100% श्योर है ना, ठीक है। डेल्टा टी बी का वैल्यू मालूम हो गया और के बी का वैल्यू दिया ही, देखो लिखा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.0, इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पे के बी का वैल्यू दिया है 2.67, बस हो गया। अब हमको क्या निकलना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एम क्या है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, सारी वैल्यू इसमें पुटअप करो आंसर फाइंड करो, सो हम सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर रहे हैं आंसर हम फाइंड कर रहे हैं, ओके सो देखेंगे ये तो हमारा 1000 ही रहेगा, तो 1000 ही हम लिख लिए, 1000 हुआ, ओके। के बी का वैल्यू कितना है, के बी का वैल्यू 2.67 है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 2.5 है, डिवाइड हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी बी कितना आएगा 0.4 आएगा, ओके। फिर क्या आएगा हमारा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हमारा कितना है 100 है, ओके। सिंस देखो 20 ये 20 ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ 10, 4 वन जा 4, 2.5, अब 2.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2.67 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये वैल्यू हमको लगभग अप्रॉक्सीमेटली दे देगा 166.87 ग्राम पर मोल, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा एम, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा हमारा, एम का वैल्यू कितना आएगा 166.87 ग्राम पर मोल, ऐसे हमें क्वेश्चन फाइंड करना, ओके। एक बार अगेन रिपीट कैलकुलेशन, जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी होता था, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता था, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। रिपीट कर लो एक बार, फिर से स्किप करके देख लो, पीछे बैक करके समझ में आ जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा देंगे इसमें, जिंदगी में कोई क्वेश्चन भूलोगे नहीं, ठीक है, कोई भी हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। नाउ 2 का सी क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग शेल, एक को शेल दिया गया है सी डी, सी डी 2+1 मोलैरिटी ए जी प्लस 1m ए जी, मोलैरिटी यहाँ पे दोनों की क्या है इक्वल है। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन आर फॉलोज, नीचे जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इधर वैल्यू दिया है इसके लिए माइनस का 0.40 वोल्ट, इसके लिए प्लस का 0.80 वोल्ट। फार्मूला हर एक बच्चे को मालूम होता है,
कि कैसे हम ईएमएफ आफा सेल निकालते हैं। तो ईएमएफ आफा सेल, ईएमएफ आफा सेल बाबू कैसे निकलता है, ईएमएफ आफा सेल, हाँ, अगर किसी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड सॉरी, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड और एनोड बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड में पहचानने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आती है, बट अब प्रॉब्लम आज से नहीं आएगी कभी भी। देखो इस चीज़ को हम समझ लेंगे, देखो कितना सिंपल है, ईएमएफ निकालना है सेल का, सेल का ईएमएफ निकालना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एक इसमें कैथोड का वैल्यू दिया है, एक इसमें एनोड का वैल्यू दिया है, ठीक है। कैसे हम निकालते हैं, देखो इस प्रोसेस को हम जरा इधर समझ लेंगे थोड़ा सा, ओके नाउ समझेंगे जरा सा इसको। ईएमएफ सेल जब भी निकालना है तुमको, तो तुमको बाबू क्या मालूम है, एक हमारा क्या होता है एनोड, एक क्या होता है कैथोड। बहुत बच्चे क्या रटते हैं कि एनोड निगेटिव होगा कि एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनोड जो होता है, हम एनोड उसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज या फिजिक्स की लैंग्वेज में, लोग कहते हैं कि चेंज है, चेंज नहीं है, एनोड हम उसको बोलते हैं जहाँ पर प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा हो। प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम तुमको ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर हम किसी नंबर लाइन पर, इधर हमारे क्या होंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 2, 3, 4, इधर हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे -2, -3, -4। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारा रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये सेल क्या लिखी हुई, सेल का जरा, इस वाले सेल का जरा हम जो है इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, सी डी से किस में जा रहा है, सी डी टू प्लस में, इसका मतलब क्या है हमारा सी डी ऑब्लिक किस में जा रहा है, हमारा सी डी टू प्लस में जा रहा है। ए जी और सी डी टू प्लस में जा रहा है, और ए जी प्लस किस में जा रहा है, ए जी में जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए जी प्लस किस में जा रहा है, ए जी में जा रहा है, बस। अब देखो सी डी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ तो प्लस टू चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जीरो से हम प्लस टू की तरफ जा रहे हैं, जीरो से प्लस टू की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ, अब प्रोसेस क्या हमारा ऑक्सीडेशन, ये हमारा प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। ए जी से, ए जी सिंपल स्वतंत्र अवस्था में रखा है फ्री स्टेट में, तो इसके क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, इसका कितना प्लस वन, यानी प्लस वन से जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस वन जीरो, इसका मतलब इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा क्या है, रिडक्शन है, ओके। यहाँ पर और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो भी हैं सी डी टू प्लस, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा क्या है, देख सकते हैं जीरो से किस में प्लस टू में जा रहा है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का लॉस, पॉजिटिव चार्ज दब आता है जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव हो जाता है, इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा हमारा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, लॉस ऑफ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस क्या होगा ऑक्सीडेशन, वो प्रोसेस क्या होगा नोड होगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कैथोड होगा इसमें क्या होगा देख सकते हैं, जरा देख लेंगे, कैथोड नहीं सॉरी रिडक्शन प्रोसेस क्या हो रहा होगा, प्लस से जीरो में जा रहा है, इसका मतलब क्या गेन इन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। जिंदगी में कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। अब देख लो, अब इसमें बताओ कौन सा हमारा कैथोड होगा, कौन सा हमारा एनोड होगा, देखेंगे ये जरा, सीडी से सीडी टू प्लस में प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन, यानी सीडी वाले में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा वो एनोड होगा। सीडी वाला वैल्यू कहाँ है, ये सीडी वाला वैल्यू यही दिया था ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बाबू एनोड, पहचान लिए ना।
इसके बारे में ज़रा बात कर लो थे कर लेते हैं। Ag प्लस से प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। फार्मूला हमें क्या मालूम, फार्मूला हमको ये मालूम, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई अनु, भाई रख दो फार्मूले में क्या दिक्कत है, ई ऑफ सेल या एम एफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ई कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा ये है, कितना वैल्यू प्लस का 0.80 वोल्ट, माइनस फार्मूले का ई एनोड का वैल्यू माइनस में है ना, तो माइन ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का 0.40 वोल्ट। इस चीज़ को भी हम कर लेते हैं, इसको जब हम खोलेंगे उसको ओपन करेंगे तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 0.40 वोल्ट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.20 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल निकल आया, प्रोसेस था बहुत अच्छा प्रोसेस। ये चीज़ में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो नंबर के अंग को देखना। एज वी कैन सी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम या ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी सी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी गेट पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव दो वैल्यू दी हैं तो नेगेटिव वाला हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस लगा सकते हैं, मोलैरिटी दोनों की क्या है, सेम है, तो पहला एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा, 100% श्योर है। ओके, सो आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट।